अरे मोदी जी, आपके टमाटर की बहुत पैदावार हुई इस बार। हमारे तो खेत में भिंडी इस बार ज्यादा पैदा ही नहीं हुई। योगी जी, मजाक तो बनाया मत करा करो, तुम्हारी भिंडी बहुत पैदा हुई है। ये कुना कहो कि हमारा टमाटर ही ज्यादा पैदा नहीं हुआ। पिछली बार मेरे खेत में 5 क्विंटल टमाटर पैदा हुआ था, इस बार 3 क्विंटल टमाटर मुश्किल से पैदा हुआ है। और भाई, हमारे बैंगन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा बैंगन तो खेत में बहुत ज्यादा निकला है। वैसे मोदी जी, कल तो आपके टमाटर सबसे पहले बिक गए थे, आज देखते हैं किसकी टोकरी जल्दी खाली होती है। मेरे बैंगन जल्दी बिकते हैं या योगी जी की भिंडी या मोदी जी के टमाटर? अरे अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ खरीदेंगे। रुक जाओ तीनों लोग, रुक जाओ, सब्जी खरीदेंगे हम। अरे भाई लालू जी, रुक गए और सब्जी खरीदोगे हमसे? कोई हम सोना चांदी थोड़ी बेच रहे हैं जो सोना चांदी खरीदोगे। क्या कहते हो अखिलेश, आज टमाटर की चटनी बनाई जाए, मोदी जी के टमाटर खरीद लो। देखो लालू जी, मैं आपके साथ रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप जो चीज बनाते रहे मैं खाता रहूं। कल आपने रसीले आलू बनाए वो मैंने खा लिए, देखो आज तो मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा, बैंगन खरीदो आज। देखो बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बैंगन बिल्कुल नहीं खाऊंगा, टमाटर की ही चटनी खाऊंगा मैं, टमाटर खरीद लो। देखो राहुल चमचमाते हुए बैंगन बेच रहा है, ताजे ताजे, वो ही खरीद लेते, वो ही पकाएंगे आज। मैंने तुमसे कहा अखिलेश, देखो मैं टमाटर की ही चटनी खाऊंगा, मोदी जी के टमाटर देखो कितनी बढ़िया है। अरे लालू जी, अखिलेश आप आपस में टमाटर बैंगन लगाए हुए हैं, कम से कम भिंडी की तरफ भी देख लो, मैं भिंडी बेच रहा हूँ, भिंडी खरीद लो। ये सही बात है, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश, ना आज तुम बैंगन खाओ ना मैं आज टमाटर की चटनी खाता हूँ, अपना दोनों लोग मिलकर भिंडी की सब्जी पकाएंगे। वैसे तो लालू जी मैं आपकी कभी बात मानता नहीं हूँ, लेकिन आज मान लेता हूँ। चलो योगी जी, भिंडी दे दो 5 रुपए की। अरे अखिलेश, 5 रुपए की भिंडी तो अकेले तुम खा जाओगे, 15 रुपए की भिंडी खरीदो। इसीलिए लालू जी मैं आपके साथ खाना नहीं बनाना चाहता, आप खर्चा बहुत करवाती हैं। चलो भाई 15 रुपए की भिंडी दे दो, क्या करा जाए, जब इनके साथ खाना बनाना शुरू कर दिया है तो इनकी मानना पड़ेगी। और भाई लो मोदी जी, लो जम के खाओ, दिवाली की दावत करने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन खाओ तुम जम के। अपने हाथ से मैंने रसीले गोभी आलू पकाए हैं। लाओ मोदी जी, पत्तल थोड़ा आगे को करो, नहीं तो गिर जाएंगे। अरे मम्मी तुम्हें भी दे दूं क्या? लाओ तुम भी पत्तल आगे करो, खाली पूरी पूरी खा रही हो, तुम भी बता नहीं रही हो, कम से कम घर आइए, अपना घर में तो बोल जाया करो। अरे मोदी जी, घोर अपमान, बिल्कुल घोर अपमान, मैं अभी खाने को यहीं पे तैयारता हूँ। ये कोई बात हुई? जैसी तुम्हारी दावत की है राहुल ने, वैसी मेरी दावत की है, लेकिन ये सब्जी देने को तुम्हें पूछ रहा है और अपनी मम्मी को पूछ रहा है, इसने मुझे पूछा तक नहीं। अरे मैं पत्तल के पत्तल खा रहा हूँ, ना मेरे पास सब्जी है ना पूरी है, और तुम्हारे पास पूरी भी है सब्जी भी है, फिर भी तुम्हें सब्जी देने को पूछ रहा है, मुझे पूछ भी नहीं रहा, यहाँ पर आने का फिर क्या फायदा, ये तो बेइज्जती है। अरे अखिलेश, ऐसा हो सकता है तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी है, भाई उसने इस दावत पे बिल्कुल खास लोगों को बुलाया है, तुम खास नहीं होते तो क्यों बुलाता? वो तुम्हें सब्जी देना भूल गया होगा, पूछना भूल गया होगा। अभी मैं कहता हूँ राहुल से, राहुल अखिलेश को सब्जी दे दो, ना अखिलेश के पास पूरी है ना ये तुम्हारी रसीली सब्जी है। एक तो तुमने रसीली सब्जी में इतना पानी डाल दिया है, गोभी और आलू अंदर ही अंदर पानी में कहीं तैर रहे हैं, जरा बढ़िया तरीके से नीचे से गोभी आलू निकाल के लाओ, अखिलेश को दे दो। अखिलेश नाराज हो गया। अरे अखिलेश कैसी बात करती हो, मैं तुम्हें अभी सब्जी देना भूल गया? अरे ये तुम्हारा घर है, घर में भी कोई नाराज होता है, तुम उठ के जा रहे थे अभी, मोदी जी बता रहे हैं। लो इधर लाओ, नीचे से रसीली सब्जी में से मैं तुम्हें गोभी और आलू छांट के देता हूँ। तेरा भी राहुल ध्यान कहाँ रहने लगा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अरे यहाँ पर दावत पे अगर बुलाया है तो सबको बराबर ध्यान रख, तू मोदी जी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, अखिलेश से क्षमा मांग। अरे अखिलेश मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ना मैंने तुम्हें पूरी दी ना सब्जी दी, आगे लाओ पत्तल, लो ये गोभी आलू लो। अरे मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ, तुम तो पत्तल तोड़ के खाने लगे, ये कोई बात हुई? भाई अखिलेश हमारी इस गलती की 4 जगह बुराई मत कर दी। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आपने ये कहा था कि योगी जी का 2 बीघा खेत की जुताई कर मैं अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में। मैं अपने खेत पर आपका इंतजार करते करते परेशान हो गया, जब आप मेरे खेत पर नहीं आए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके पास चला आया, यहाँ आकर देखा आप अभी भी योगी जी के खेत की जुताई कर रहे हो। तो ये बताओ मेरे खेत की जुताई क्या रात में करोगे मोदी जी? अगर आप मुझसे ये कह देते मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं केजरीवाल के हल बैल देख लेता, वो मेरे खेत की जुताई कर देते। राहुल रुक जाओ, इतना मत बड़को, योगी जी की खेत की 5 मिनट की जुताई रह गई है, उसके बाद मैं तुम्हारे खेत की जुताई करने के लिए चल रहा हूँ, तुम तो यहाँ बेफालतू में आ गए। मैं योगी जी का खेत की जुताई करके आ ही रहा था तुम्हारे पास, बस हो चुका इनका काम।
अरे मोदी जी, ये आप क्या कह रहे हो? आपने तो कहा था कि थोड़ी देर में बैठ जाऊं। योगी जी की खेत की जुताई करने के बाद तुम मेरे खेत की जुताई करने चलोगे? अब यहाँ राहुल आ गया, तुम कह रहे हो कि राहुल के साथ जाओगे, तो फिर इतनी देर से मुझे क्यों बैठाने पड़े हो, ये बताओ। देखो लालू जी, मैं साफ साफ बता देता हूँ तुम्हें, पहले मैं राहुल की खेत की जुताई करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उससे मैंने पहले कह रखा है, उसकी खेत की जुताई करने के बाद तुरंत तुम्हारे खेत पर जुताई करने के लिए आ जाएंगे। और राहुल का खेत तुम्हारा खेत दूर दूर थोड़ी है, पास ही में तो है। बात वो नहीं है मोदी जी, आपने मुझे इतनी देर से बैठा क्यों रखा था? आपने तो ये कहा था योगी जी का खेत जोतने के बाद मेरे खेत की जुताई करने चलोगे। अरे लालू जी, कहां तो था, लेकिन मुझे क्या पता था राहुल यहाँ खोपड़े पर आकर खड़ा हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था राहुल आएगा नहीं, पहले तुम्हारी खेत की जुताई कर दूंगा, उसके बाद राहुल की खेत की जुताई कर दूंगा। लेकिन अब राहुल आ गया यहाँ पर, इसने मुझसे पहले से कह रखा था अपने खेत की जुताई के लिए, तो पहले तो मैं इसी का खेत की जुताई करने जाऊंगा। अरे राहुल और लालू जी, इन मोदी जी के पास ही में रहना, नहीं तो ये किसी तीसरे का खेत की जुताई करने चले जाएंगे, क्योंकि अगर कोई ज्यादा पैसे देता है तो ये उनका खेत की जुताई करने चले जाते हैं। नहीं होगी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे उसे की कोई बात नहीं है, पैसे तो जुताई के मैं एक से ही लेता हूँ, 100 रुपए बीघा। बात ये है कि लोग ज्यादा जुताई करवाने के लिए आते हैं तो मैं मना कर नहीं पाता हूँ, इसीलिए जो पास में होता है पहले उसकी खेत की जुताई कर देता हूँ। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी गधा गाड़ी को, यहीं पे रोक लो यहीं पे। जी लालू जी बोलिए, क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई, बताओ। अरे दिक्कत क्या हो गई, आप अपनी गधा गाड़ी पर जो हरा हरा चारा ले जा रहे हो, इसको क्या बेचोगे, बताओ कितने रुपए का दोगे? ये मैं अपनी भैंस के लिए खरीदना चाहता हूँ। देखो लालू जी, मेरी इस गधा गाड़ी पर जितना भी ये चारा है हरा हरा, एक तो ये बहुत बढ़िया चारा है, तुम्हारी भैंस इसको बहुत मजे से खाएगी, मैं इसके पूरे 500 रुपए लूंगा। मोदी जी, इस चारे के 500 रुपए ज्यादा बता रहे हो। वो देखो मोदी जी, तुम्हारे पीछे पीछे राहुल भी आ गया अपने गधा गाड़ी पर चारा लेकर। अरे राहुल, कितने रुपए का चारा बेच रहे हो? तुम्हारी ये गधा गाड़ी पर जितना भी चारा है इसके कितने रुपए लोगे, बताओ, मैं भी अपनी भैंस के लिए इस चारे को खरीदना चाहता हूँ। योगी जी, ये जितना भी चारा है उसके मैं 400 रुपए लूंगा, 400 रुपए में सारा का सारा चारा ले लो। अरे राहुल, इस चारे के कुछ कम दाम लगा लो, ज्यादा बता रहे हो 400। मोदी जी, आप तो चारे के 500 रुपए बता रहे थे, इस गधा गाड़ी पर जितना भी चारा है उसके, और मोदी को राहुल सिर्फ 400 रुपए में योगी जी को दे रहा है सारा का सारा चारा। लालू जी, उसकी गधा गाड़ी पर कम चारा है, मेरी गधा गाड़ी पर काफी चारा है देख लो, और मेरी गधा गाड़ी पर बहुत अच्छा ताजा ताजा हरा हरा चारा है, इसको भैंस बड़े मजे से खाती है, राहुल के चारे को भैंस अच्छी तरीके से नहीं खाएगी। चलो तुम लेना ही चाहते हो तो 400 रुपए का रेट मैं भी लगा देता हूँ तुम्हें, जब राहुल ने 400 रुपए बता दिए योगी जी को। योगी जी, अभी कुछ आप रेट कम करने को कह रहे थे, मैं आपको 300 रुपए में चारा दे दूंगा, ले लो। राहुल, 300 रुपए भी ज्यादा है, थोड़े और कम पैसों में दो इस चारे को तो सारा का सारा ले लूंगा मैं। अरे मोदी जी, अब तो योगी जी को राहुल ने चारे का रेट 300 रुपए बता दिया, आप 400 रुपए कह रहे हो। चलो वो अपने चारे को योगी जी को अगर 300 रुपए में देना चाहता है तो मैं भी अपने चारे को तुम्हें 300 रुपए में ही दे दूंगा। अरे योगी जी, कुछ रेट कम करने को कह रहे थे, मैं आपको 200 रुपए में चलो ये सारा का सारा चारा दे देता हूँ, इसके बाद 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। राहुल, तुम मेरे पीछे पीछे अपने इस चारे को लेकर मत आया करो, तुम अलग कहीं पे बेचने के लिए निकल जाया करो, तुम सस्ते दाम में इस चारे को बेच देते हो तो मेरा भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि मुझे भी सस्ता बेचना पड़ता है। राहुल, बताओ तुम्हारे इस जुगाड़ में क्या दिक्कत हो गई, मैं अपनी दुकान छोड़ के आया हूँ, दुकान पर बहुत सी कार रिपेयर करने को पड़ी हुई है, जल्दी बताओ मुझे, और यहाँ पर आने का डबल चार्ज लूंगा मैं। अरे मोदी जी, यहाँ पर आने के डबल चार्ज क्यों लोगे, अगर मेरे जुगाड़ में कभी भी कोई भी दिक्कत होती है मैं हमेशा आपकी वर्कशॉप पर ही रिपेयर कराता हूँ, अब ये मेरा जुगाड़ बीच रास्ते में चलते चलते बंद हो गया तो मैं इसे कैसे ले जाता आपकी दुकान तक, इसीलिए मुझे आपको यहाँ पर बुलाना पड़ा। अच्छा राहुल, चलते चलते अचानक बंद हो गया तुम्हारा जुगाड़, एक तो तुमने अपने जुगाड़ को सामान से ओवरलोड कर रखा है। अच्छा, सुबह जब जुगाड़ लेकर निकले थे तुम तो फुल करके निकले थे? हाँ मोदी जी, डीजल से बिल्कुल फुल करके निकला था मैं इसके टैंक को। अरे राहुल, डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ, पानी को फुल करके चले थे अपने रेडिएटर को, कहीं ऐसा तो नहीं है रेडिएटर में पानी ना हो, तुम्हारे जुगाड़ का इंजन गर्म पड़ गया हो और बंद हो गया हो। मोदी जी, पानी तो फुल भरा था इस राहुल ने मेरे सामने भरा था रेडिएटर में पानी, मेरे सामने ही ये राहुल का जुगाड़ झटके देकर बंद हो गया। जब रेडिएटर में पानी भी था और टैंक में डीजल भी फुल था तो ये बंद क्यों हुआ? अरे मोदी, आप बताओ ये इनका जुगाड़ बंद कैसे हो गया,
और जल्दी ठीक करो इसे। भाई ये राहुल और अखिलेश का जुगाड़ है, योगी जी तुम गदर क्यों मचा रहे हो? अरे मोदी जी मैं गदर इसलिए मचा रहा हूँ, इस जुगाड़ में जो सामान भरा हुआ है मेरे किराना दुकान का है, समझे? मेरी दुकान बंद पड़ी है, ग्राहक लौट लौट के जाते होंगे। अब योगी जी तुम्हारी दुकान से ग्राहक लंबे टाइम में लौट के जाएंगे, क्योंकि मुझे इसका इंजन खोलकर अपनी वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जुगाड़ ठीक नहीं होने का, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा। भाई जी मोदी जी इस राहुल के जुगाड़ को रिपेयर होने में कितना टाइम लग जाएगा और कितना रुपया खर्च होगा? अच्छा केजरीवाल तुम भी खड़े हुए हो, मैंने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं। अब राहुल के जुगाड़ को रिपेयर करने में बहुत पैसा खर्च होगा, इसका इंजन बिल्कुल खराब हो गया, पूरा इंजन दोबारा बनाना पड़ेगा, कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा है। अरे मोदी जी जब से ये मैंने जुगाड़ खरीदा है तब से मैंने तो इससे 10,000 रुपए कमाए नहीं है, और आप कह रहे हो कि 10,000 रुपए लग जाएंगे इसको रिपेयर करने में। मैं इसे रिपेयर रिपेयर नहीं कराऊंगा, इसे यहीं पे छोड़ो। योगी जी अपना सामान इसमें से उतार के किसी दूसरी चीज में ले जाओ। जी जल को मेरे हाथ में पकड़वाओ, मेरे हाथ में जल्दी से दो। एक तो आप दौड़ से बहुत हल्की हल्की हो, अपनों को डाक कावड़ को 20 घंटे में पूरा करना है। शिवराज सिंह जी आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, जल्दी से मोटरसाइकिल से आगे जाकर खड़े हो, क्योंकि 100 मीटर के बाद आपको मुझसे जल लेकर दौड़ना है। राहुल तुम बहुत दूर आकर खड़े हुए, क्या बीच में एक बंदा खड़ा होना भूल गया? भागते भागते बिल्कुल मैं थक गया, डाक कावड़ भी बड़ा कठिन कावड़ यात्रा होती है, लेकिन करना तो है, भोले के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल तेजी से दौड़ो, समय कम बचाए, अपनों को इस जल को जल्द से जल्द भोले के मंदिर पर जाकर चढ़ाना, जल्दी भागो। राहुल कम से कम दौड़ना तो शुरू करो तेजी से, तुम्हें मालूम होना चाहिए डाक कावड़ में रुकना बिल्कुल नहीं होता है, तेजी से दौड़ो, मैं आगे जाकर खड़ा हो रहा हूँ, और इस जल को मुझे दे देना। देखो मोदी जी कितनी तेजी से अकेले दौड़े जा रहे हैं। मोदी जी इस डाक कावड़ में आपके साथ कौन कौन है? शिवराज सिंह जी मेरी इस डाक कावड़ यात्रा में मेरे साथ केजरीवाल जी, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी हैं। राहुल तुमने कितने घंटे में अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया है? मोदी जी हम तो 20 घंटे में अपनी इस डाक कावड़ को पूर्ण करना चाहते हैं, आप कितने घंटे में पूर्ण करना चाहते हैं? राहुल हम तो अपनी इस डाक कावड़ यात्रा को 16 घंटे में पूर्ण करेंगे। वैसे जिस तरीके से मैं भाग रहा हूँ इससे जल्दी भी पूर्ण हो सकती है ये यात्रा। एक बार सब लोग जोर से बोलो, बम बम बोले, बम बम बोले। अरे अखिलेश तुम तो बहुत पीछे थे, बड़ा तेजी से दौड़ रहे हो, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तुमने इस डाक कावड़ यात्रा को कितने घंटे में पूर्ण करने का संकल्प लिया है, और तुम्हारे साथ कौन है? मोदी जी मेरे साथ वो देखो पीछे मोटरसाइकिल से योगी जी आ रहे हैं, और हमने इस डाक कावड़ यात्रा को हरिद्वार से भोले के मंदिर तक इस जल ले जाने के लिए 12 घंटे का संकल्प लिया है। योगी जी जल्दी से तेजी से आओ, आगे जाकर खड़े हो। अखिलेश थोड़ी दूर दौड़ो तो, अभी तो मैंने अपने हाथ से जल तुम्हें दिया है, आगे देखो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए होंगे, उन्हें ये जल पकड़ा देना, उसके बाद तुम मोटरसाइकिल पकड़ लेना, आगे जाकर मैं खड़ा हो जाऊंगा। अपनों को इस डाक कावड़ यात्रा को सबसे जल्दी पूर्ण करना है। और लालू जी अखिलेश बहुत दिन बाद आपका आना हुआ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था लालू जी कि आप मुझसे मिलने के लिए आओगे, क्योंकि आप शहर में जाकर बहुत अमीर आदमी बन गए और मैं गांव में सिर्फ 1 बीघा खेती करके गुजारा करता हूँ। हालांकि अपना लोग स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और अपनी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी झोपड़ी में मुझसे मिलने आओगे। मोदी जी कैसी बात करते हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये बात कहकर आप अपनी मित्रता को अपमानित कर रहे हो। अरे अगर मैं शहर में जाकर ज्यादा कमाने लगा, बहुत अमीर आदमी बन गया, तो अपनी मित्रता खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने सोचा तुम तो कभी शहर में मिलने के लिए मुझसे आओगे ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी झोपड़ी पे खुद मिलने चला आया। तो लालू जी बाहर क्यों बैठी हो, अंदर जाके खटिया पे बैठो। अरे मोदी जी कैसी बात करते हो, मुझे यहीं नीचे बैठ जाने दो, आपको मालूम होना चाहिए हम भी तो गांव में रहे हुए हैं, गांव में आपके साथ हमने इसी धरती से पूरा बचपन काटा है, आपकी और मेरी मित्रता के मैंने सुना है लोग आज भी किस्से सुनाते हैं। देखो राहुल का घनिष्ठ मित्र अखिलेश भी उससे मिलने के लिए आया है। अखिलेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अंदर जाके बैठते हैं, खाट पर बैठते हैं। राहुल भैया मुझे आपके साथ बैठ जाने दो, मुझे आपके साथ बैठकर स्कूल के मुझे बचपन के दिन याद आ गए। अखिलेश तुम तो शहर में जाके बहुत पैसा कमाने लगे, लेकिन तुम्हें बचपन के वो दिन याद है जब अपना दोनों लोग मिलकर केजरीवाल जी के आम के पेड़ से आम तोड़कर चुपके से खाते थे,
राहुल पुराने दिन याद करने के लिए तो पूरा दिन है, आज लालू जी को और अखिलेश को जाने थोड़ी देंगे। झोपड़ी में जाके जलपान का इंतजाम करो, जलपान पिलाओ इन दोनों को। मैं भी खेत पर काम करने जाने वाला था, अब खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। राहुल ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ घड़े का ठंडा पानी ले आओ, घड़े का ठंडा पानी पीकर ही हमें मजा आ जाएगा। मोदी जी आपको अपने बचपन के पोते याद है जो अपना दोनों लोग राजनाथ सिंह जी की बेरी के पेड़ तोड़ते थे? मोदी जी कभी कभी मुझे लगता है शहर से सब कुछ बेचकर आपके साथ यहीं पे गांव में आके बस जाऊं। नहीं लालू जी, तुम्हारा शहर में इतना बड़ा बिजनेस है तो वहीं पे अपना काम करते रहो। मोदी जी शहर में काम तो बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, सुकून तो मुझे आपके पास आकर ही मिला। मैं शहर को छोड़कर आपके यहाँ झोपड़ी में ही रहूंगा, रखोगे मुझे अपने साथ? अरे लालू जी कैसी बात करती हो, जब चाहे जब तुम आ सकती हो, तुम्हारे लिए मेरी झोपड़ी के द्वार हर टाइम खुले हुए हैं। जी आपने इतना भारी बोरा मेरे ऊपर रखवा दिया है, जब से घर से चला हूँ मैं गाँव से, तब से यहाँ रेलवे स्टेशन तक ये रजाई और चादर का बोरा मेरे ऊपर लदा हुआ है। मोदी जी आपके कहने पर हम गाँव से शहर में मजदूरी करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन शहर में मजदूरी तो अच्छी हो जाएगी। एक बात तो बताओ राहुल, अगर मेरी अच्छी मजदूरी होगी शहर में तो तुम्हारी भी अच्छी मजदूरी होगी, मैं कोई अलग से मजदूरी थोड़ी करूंगा। लेकिन एक बात बताऊं राहुल, गांव से शहर में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पहले घर से सामान लेकर निकलो, फिर रेल का इंतजार करो और फिर जाके शहर में मजदूरी ढूंढो, जब तक मजदूरी नहीं मिलती है सारा सामान लेकर इधर उधर फिरते रहो। मोदी जी बातों में ही वक्त जाया कर दोगे, ये जो अपने बराबर में खड़ी हुई है रेल यही शहर को जा रही है, रेल चल पड़ेगी, जल्द से जल्द रेल का टिकट ले लो। वैसे मोदी जी हम आपसे एक बात तो पूछना चाहते हैं, शहर में जाके कितने रुपए की मजदूरी हो जाएगी? लालू जी शहर में जाके कम से कम 200 रुपए रोज की मजदूरी होगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, फिर शहर जाने का क्या फायदा, गांव में भी तो 150 रुपए की मजदूरी हो जाती थी, अब कम से कम 50 रुपए का तो शहर में खाना खर्चा भी हो जाएगा, तो 200 रुपए की मजदूरी का क्या फायदा शहर में? मैं तो यहीं से रेलवे स्टेशन से गांव के लिए लौट जाता हूँ। लेकिन योगी जी एक बात बताऊं, गांव की कमाई हाथ में दिखती नहीं है, मतलब गांव में जो भी पैसा कमाओ तुरंत खर्च हो जाता है, अब कम से कम शहर में जो पैसा कमाएंगे हाथ में तो जमा होता रहेगा। मोदी जी आपने लालू जी की बात का जवाब नहीं दिया, ये जो बराबर में रेल खड़ी है इसी रेल पर अपनों को शहर जाना है, अगर इसी रेल से जाना है तो ये रेल छूटने वाली है, जल्द से जल्द जाके शहर तक के 6 टिकट ले आओ। अखिलेश अगर अपना इस रेल का टिकट नहीं ले पाते हैं और ये रेल चलना शुरू हो जाती है तो इस पे अपना लोग चढ़ जाएंगे, लेकिन इस रेल को छूटने नहीं देंगे क्योंकि अगली रेल तो 3 घंटे बाद आएगी। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बिना टिकट के मैं तो इस रेल पर चढ़ूंगा नहीं, आप चढ़ना चाहते हो चढ़ जाओ, टीटी ने पकड़ लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अरे शिवराज सिंह जी कौन बिना टिकट के यात्रा करेगा, अरे अगला स्टेशन नजदीक ही है, वहाँ पर जब ये ट्रेन रुकेगी तभी उतर के जल्दी से मैं टिकट ले लूंगा। ट्रेन छोड़ने से तो अच्छा है कि ट्रेन में चढ़ जाओ, अगले स्टेशन पे टिकट ले लो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।